कहाँ से आए आप? धारवाड़। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। और अब्बा को भी किडनी का है? कितने बार कर रहे हैं डायलिसिस? हफ्ते में दो बार कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। तुमने कितने बार कर रहे हैं? हर तीन दिन में एक बार। तीन दिन में एक बार हो रहा है? अच्छा जी, अच्छा जी। तुमना जी? हफ्ते में तीन बार। हफ्ते में तीन बार हो रहा है? अच्छा 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 अच्छा। तो पूरे कितने पेशेंट आ चाहिए? अच्छा जी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पना लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सेहत को बचा लो बीमारी पकड़ने से पहले, यानी अपने चीज़ों की कदर कर लो। आज अक्सर किडनी पेशेंट ना अक्सर आ रही और दो पेशेंट ना अक्सर ज्यादा है, एक किडनी पेशेंट और एक कैंसर के। मेरे दोस्तों भाइयों, अब ये किडनी पेशेंट जो हैं, ये किडनी कोई बीमारी नहीं है और कैंसर भी कोई बीमारी नहीं है। ये इंसान खाने पीने की वजह से अगर तरकीब के साथ नहीं खाया पिया तो अपने किडनियों को गंवा लेता है, और इंसान तरकीब के साथ नहीं खाया पिया और इंसान को कैंसर भी आता है। कैंसर का तो खून गाढ़ा होता है, खून गाढ़ा होता है फिर खून घट हो जाता है। इसलिए आपके किडनियाँ हमेशा अच्छे रहना है। आज मैं तरकीब बता रहा हूँ, आप उसे अपना लो, आपके किडनियाँ हमेशा महफूज रहेंगे, अच्छे रहेंगे। मेरे दोस्तों भाइयों, ये एरंडी का तेल, कैस्ट आयल, अल्लाह दिया तो ये गाड़ी के वास्ते आयल, ये बेरिंगा के वास्ते आयल, ये हमें बगैर आयल के गाड़ियां मारनी बोल को ची पूरे बेरिंगा खराब हो रही सो। क्योंकि पैदा होते ही सबसे पहले नर्स डालती है बच्चे को, फिर नानी दादी अम्मा घर में डालते रहती, हर दिन बच्चे को एक एक चमचा डालते रहती, उसे लगड़ते भी रहती, पिलाते भी रहती, नहलाते भी रहती, जैसा जैसा बड़े होते वैसा छोड़ डालते। अगर वो काम हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह मरे तक किडनी खराब नहीं होते। कि हर दिन दो चमचे अरंडी का तेल और हफ्ते में एक बार 25 ग्राम रात को पी लेना, 25 ग्राम सुबह को पी लेना, गर्म पानी में डाल के पी लिए पूरा पेट क्लीन हो जाता है, किडनियाँ हमेशा महफूज रहती। तो दोस्तों भाइयों, अब किडनियाँ जो लोगों के किडनियाँ शिंक होगी, अब ये किडनियाँ शिंक होंगी सो, किडनियाँ खराब हुई सो नहीं, किडनियाँ जो ही शिंक हो जा कोई बात समझ नहीं। अब वो शिंक जाना को तो क्या करना, तुम्हें 3 महीने गोश्त मच्छी अंडा नहीं खाना, सबसे पहली शर्त। और एक 3 महीने जो है गोश्त मच्छी अंडा नहीं खाना, और 3 महीने जो है ठंडा पानी बिल्कुल पीने का छोड़ देना, सादा पानी, ठंडा पानी। घोकरू के काटे, ये देखो ये घोकरू के काटे, 50 ग्राम घोकरू के काटे और एक 50 पीपल के पत्ते, ये देखो ये पीपल के पत्ते, ये पीपल के पत्ते घोघरू के काटे डालना, एक 50 पत्ते पीपल के, एक 50 ग्राम घोघरू के काटे डालना, अच्छा पका को एक बॉटल पानी बना लेना, ये पानी इस्तेमाल करना। आधे घंटे में एक गुट ये पानी पीना, आधे घंटे में एक गुट ये कलौंजी का कषाय पीना। अब ये कलौंजी का कषाय भी कलौंजी के साथ ऐसे 200 जड़बूटियां हैं इसके अंदर, ये एक गुट पिए तो 4 रोटी खाने का पावर मिलता है। 15 दिन 20 दिन 1 महीना भूख ही लगती नहीं, डरना नहीं, पेशेंट भी डरना नहीं, घर वाले भी डरना नहीं, ये चुनको खाना, ये खाना और ये पानी, ये पीपल के पत्ते का पानी और ये कलौंजी का कषाया खाना, ताजे रहती। ये की बोल रहा हूँ तो मैं भी किडनी पेशेंट था 18 साल पहले, इसलिए मुझे तजुर्बा है, बात समझ रही है। तो इंशाअल्लाह 3 महीने, पहला महीने 30 बॉटला होना, रोज को एक बॉटल, आधे आधे घंटे एक गुट,
और दूसरा महीना एक 20 बॉटल, तीसरा महीना एक 10 बॉटल, चौथा महीना एक 5 बॉटल, चार महीना में रेडी गाड़ियां रेडी होकर बाहर रिलीज हुआ थी। और सबसे पहले ज्यादा फिक्र करने का छोड़ना, ज्यादा सोचना, ज्यादा टेंशन लेना, हैबत लेना, उसमें कितना शिंक होते सो बात समझ रही। और ज्यादा सोचा तो इंसान का खून गाढ़ा होता सो बात समझ रही है। अब देखो ये डर डर को ची, अब ये कोरोना वायरस भी क्या करो, डर डर को चाहे सो कोरोना वायरस, एक डर एक टेंशन या सूचना बात समझ नहीं। जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह बोल गया, अल्लाह वाले डरते नहीं, अल्लाह वाले मरते नहीं, अल्लाह वाले अमर रहे तो यहां, मरे तो जन्नत में बादशाह बन गो। तो अल्लाह वाले डरते नहीं बात समझ नहीं, डरते रहे तो ये पूरा बेकार हो जाता है, ये दवा भी बेकार हो जाती है, तुम्हारे पैसे भी बेकार हो जाते हैं। डर छोड़ डाले तो इंशाल्लाह 2-3 महीने में रेडी हो जाती। और दूसरा जो है मूंग में क्या भी पका को खाना, मूंग हरी मूंग आते ना वो, और दूसरा पपई सेब थोड़ा थोड़ा खाना, दूसरा तरकारी क्या भी नहीं खाना, फ्रूट भी और भूख लगी तो तरकारी थोड़ा नरम रोटी खाना, कुछ भी खाओ, बल्कि गोश्त मच्छी अंडा बिल्कुल 3 महीने को स्टॉप कर डालना, बिल्कुल नहीं। चावल भी खाओ, चाहत हुई तो, भूख लगी तो, नहीं तो तुम्हारा ये खाना, फिक्र नहीं करना बस समझ नहीं। इंशाल्लाह ये कर लियो सारे बीमारियां से बच जाती बस समझ नहीं। और दूसरा ज्यादा हैबत करना, ज्यादा परेशानी करना, फिक्र करना, इसमें कौन से बीमारियां अच्छे होते नहीं, छेद डालने को पारी पकड़े सर का है नहीं। और दूसरा और हर दिन क्या करना, मसाज करना, एक दिन अरंडी का तेल, एक दिन नारियल का तेल, दाल को अच्छा रगड़ना सोने की टंपो 5-5 मिनट, हाथ को ये हाथ को 5 लाते, ये हाथ को 5 लाते, और दूसरा पंग को भी, पंग के ऊपर नीचे भी लगड़ना, तलवे ऊपर भी, ये अंगलियां पकड़ को खींच खींच को मसाज करना। अरे भैया ये खींच खींच को करे क्या होती है, ये सारे नस इसके अंदर है, किडनी के, लिवर के, गुर्दिया के, हार्ट के, ये सारे नसा इसके अंदर है, अंगलियां के अंदर, रोज ही अंगलियां मसाज करना, पावा के भी, हाथ के भी, पूरे नस फ्री हो जाती इंशाल्लाह। और 8 दिन में एक बार बॉडी का मसाज करना, पूरी बॉडी का आहिस्ता मसाज करना, 8 दिन में एक बार पूरी बॉडी का, और रोज हाथों का खाली, पावा का, इंशाल्लाह ऐसा कर लियो सारे बीमारियां दफा हो जाती। और ठंडा पानी बिल्कुल पियो न, सादा पानी, पानी पका कर ही पीना। इसी तरह पूरे घर वाले अगर पानी पका को पिए, ये देखो ये जाम का पत्ता, ये पूरे घर को बोल रहा हूं मैं, ये हमेशा के वास्ते ये जाम का पत्ता अच्छा पका को इसका पानी पियेंगे पूरे घर वाले, सारे बीमारियां से बच जाएंगे और जिंदगी में शुगर नहीं आएगा उसे, ये पानी पीने वाले को जिंदगी में शुगर नहीं आता। और ये अरंडी का तेल इस्तेमाल करने वाले को जिंदगी की किडनी खराब नहीं होते, जिंदगी में उसका लिवर खराब नहीं होता। अच्छा दूसरा भूख लगे तक खाना नहीं खाना, ये एक बहुत बड़ा बैलेंस है, जब तक भूख नहीं लगती तब तक खाना नहीं खाना। ये तो पपई खा जाओ, ये तो सेब खा जाओ, खाना खाओ उनको, भूख लगी तो खाना खाना। नहीं नहीं वो सब्जेक्ट अलग था उनका, वो उनका सब्जेक्ट अलग था, वो उन्होंने दूध भी इस्तेमाल करो करती, अंडा भी खाओगे नहीं, वो खाए तो हमेशा हमें पेशेंट होकर जाते हैं बात समझ रहे हैं। इसे छोड़ डाले तो दाल रेडी वादी वहां का, तो उन्होंने करोड़ों रुपए दाल को हॉस्पिटल मनी वो चलाना है उनको बात समझ रहे हैं। यहाँ हमारा खाली बनवा लिए छे पत्ते पाले तो इंशाल्लाह ये पत्ते पालिया में अल्लाह रख डाले शफा अल्लाह जी खलक फसवा। अल्लाह बोलता मैं कोई चीज बेकार की नहीं बनाया, हर चीज को अल्लाह फायदामंद बनाया, ये पूरे जड़ बोटे अल्लाह हमारे वास्ते बनाया सो। अब देखो ये जाम का ये इसका पत्ता, ये देखो ये है ना, इसे माट बोलती, माट तुम्हारे घर के आजू बाजू चलता है। अब ये माट का पानी गला को पीते रहे तो और जिंदगी में किडनी में पत्थर नहीं आता, पित्ता में पत्थर नहीं आता बात समझ रहे, स्टोन नहीं आता अगर इसका पानी पीते रहे तो। माट भाजी है हाँ, इसका काटे माट भी आता है वो भी खाओ, बना के खाओ, इसका सालन बना के खाओ, इसका बला के बना के इसका काढ़ा पियो, पानी इसका अच्छा पका के पियो,
और दूसरा जो है, और ये तुम्हारा हार श्रृंगार करती, इसे हार श्रृंगार करती, और इसे रात की रानी भी बोलती, परिजात भी बोलती। अब जॉइंट पेन है, उठने बैठने नहीं हो रहा है, हाँ गुड़िया में कपड़ा में दर्द, उठने बैठने नहीं हो रहा है, जिसे जो अर्थराइटिस बोलती। तो ऐसा इसका पानी पीते रहे तो जॉइंट पेन की बीमारी खत्म हो जाती। ये सब भी अल्लाह कुदरती दवाएं है, ये इंसान के वास्ते बनाया सो, मगर इंसान इसके ऊपर भरोसा करता नहीं। बात समझ नहीं, उसके वास्ते भरोसा करो इंशाल्लाह, अल्लाह की जात पर यकीन रखो, इसे इस्तेमाल करो और इंशाल्लाह, और तुम्हारे 3 महीने के बाद ही किडनी बचाना खा सकती है, और 3 महीने के पहले खाने को 3 महीने के बाद खा सकती किडनी बचाना। और घर में यह सबके वास्ते 1 चमचा अलसी का बीज, 1 चमचा अलसी का बीज, 1 आधा चमचा मेथी, 1 पाव चमचा कलौंजी, रात को पानी में डाल कर रखना, गर्म पानी में 1 गिलास पानी में, और सुबह को खा जा को उसके ऊपर 2 गिलास पानी पीना। ये जनरल घर में सबको बता रहा हूँ, 15 दिन खाओ 15 दिन छोड़ो, हमेशा आपके किडनियाँ महफूज रहती, हर बीमारी से बच को रहती। बात समझ नहीं, इन्हों 3 महीने के बाद खाना, कौन किडनी पेशेंट है। जी हाँ, हाँ क्या हो, 15 दिन खाओ 15 दिन छोड़ो, 15 दिन खाओ 15 दिन छोड़ो, और 15 दिन जो छोड़ती उस वक्त क्या करो, 3 भेंडियां कट कर उसको डालना गर्म पानी में, और सुबह को उठे के नहीं कि जूस बना को पी जाना, 15 दिन कलौंजी मेथी अलसी खाना, 15 दिन भेंडियां का पानी पीना। जनरल पूरे हर बीमारी से बचको रहते, किडनियां हमेशा महफूज रहती, जिंदगी में किडनियां खराब नहीं होते, जिंदगी में लिवर खराब नहीं होता। बात समझ रही, इंशाल्लाह इतना कर लियो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शफा दे इंशाल्लाह। और ये है अलवेरा, अलवेरा इसे बोलते हैं, घी कवर बोलते हैं, कमर पट्टा बोलते हैं, और इसे कलमदा बोलते हैं। बात समझ रहे हैं, इसका 1-2 चमचे सुबह को खाली पेट पूरे आदमी खा सकते हैं, पेशेंट भी खा सकते हैं, घर में पूरे खा सकते हैं। इंशाल्लाह खाते रहो तो बहुत जल्दी आपके किडनियाँ भी अच्छी होती, हाँ इंशाल्लाह इसे अख्तियार करो तो बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी हमारी जिंदगी सलामत है इंशाल्लाह। हर दिन 10 बजे सीखने और सिखाने का प्रोग्राम चलता रहेगा, सुबह को 10 बजे इंतजार करो, हर दिन 10 बजे आता रहेगा सीखने और सिखाने का प्रोग्राम इंशाल्लाह। मैं हकीम उबैदुल्ला, योगा गुरा बोले तो फेसबुक में आता है, हकीम उबैदुल्ला ऑफिशियल को तो यूट्यूब में मिलता है। इंशाल्लाह सीखते रहो, दुनिया को सिखाते रहो, और ये कलौंजी का कषाया, हर बीमारी का सफाया, ऐसे 200 के करीब जड़ बूटियां डाल के बनाते हैं, ये अच्छे लोग भी पी सकते हैं, बीमार लोग भी पी सकते हैं। बीमार लोग पिए सारी बीमारी दफा 3 महीने में, अच्छे लोग पिए बीमारियां पकड़ देनी। और ये शिमोगा से मंगा लियो, 9343560908।